दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटेसी दुनिया में। दोस्तों, वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नॉर्वे वर्सेस इटाली के बीच जो होगा यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप ग्रुप डी का आज का दिन का दूसरा मैच। ऐसा आपको लग रहा है, एक्चुअली ये तीसरा मैच था और जो पहला मैच था ना, एक्चुअली क्या हुआ कि जो पहला मैच था वो फिफ्थ मैच हो गया, जो सेकेंड था वो फर्स्ट हो गया, जो थर्ड था वो सेकेंड, जो फोर्थ था वो थर्ड, ऐसे हो गया सब रोटेशन, ठीक है ना। बट हाँ, ये मैच आपके लिए, दोनों टीम न्यू है तो आपके लिए मान के चलो न्यू मैच है, और सेकेंड मैच है जो लिस्टेड है, जहाँ पे हम लोग फैंटेसी खेलते हैं वहाँ पे सेकेंड मैच के रूप से ये लिस्टेड है। इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करेंगे। अगर मैं शुरू में इंट्रो में बताना चाहूँगा तो बेसिकली नॉर्वे जो टीम है इनका T20 आइस का रैंकिंग 48 के करीब है, 48 है चलो, और इटाली का है 29। बट एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे वर्क करेगा, वो है इटाली का जो T20 रैंकिंग इतना अच्छा है रिसेंट टाइम में, इसका सबसे बड़ा रीज़न और श्रेय जाता है गाइस इनके कई न्यू प्लेयर्स जो करेंटली कहीं यूके में, जो अलग अलग स्टेट होते हैं यूके में, जो भी होता है यार, ससेक्स, समरसेट, ऐसे काउंटी क्लब्स में भी कुछ खेले, ऐसे प्लेयर्स भी खेलते जिसके रीज़न से इटाली का इतना रैंकिंग अच्छा है। बट स्टिल बहुत ख़राब टीम नहीं है ये इटाली भी, और नॉर्वे थोड़ा सा वीक ऐसा मुझे लग रहा है। तो इन डेप्थ एनालिसिस मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, आप सिर्फ ध्यान से अंत तक वीडियो देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल में न्यू हो, फर्स्ट टाइम देख रहे हो वीडियो, फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्वाइन हो जाओ टेलीग्राम, क्योंकि जो मैं आपको अपडेट दूंगा ना, देखो मैं डेमो टीम का जो लालच है ना वो दिखा के मैं आपको अट्रैक्ट नहीं करना चाहता, सच बात वही है, ठीक है। बट हाँ, मैं डेमो टीम प्रोवाइड तो कर देता हूँ और शायद कर भी दूंगा फाइनल टीम वगैरह, बट स्टिल मैं मानता हूँ जो अपडेट होता है, अगर न्यू मैच मैंने कवर किया उसके लिंक्स हुआ या X22 वगैरह की पीक्स हुआ, बहुत सारे अपडेट्स होते टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जाएगा, तो जुड़ जाना डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से या फिर कमेंट सेक्शन वाले लिंक से भी टेलीग्राम ज्वाइन हो सकते हो, और चाहो तो सर्च @ लगा कि टीम FDF, कहीं पे गलती से भी स्पेस मत दे देना। तो इस मैच के एनालिसिस में आता हूँ। 5 बजे इंडियन टाइम स्टार्ट हो, 110 रन एवरेज स्कोर, बट जो करेंटली लग रहा है 100-110 तो बनेंगे, बट हाँ विकेट भी झराझर गिरता है, ठीक है। खास करके नॉर्वे का बैटिंग मुझे थोड़ा सा वीक लग रहा है, और इंडिविजुअल एक आधा परफॉर्मर के ऊपर डिपेंडेंट है, वहीं पर इटाली का ना बैटिंग यूनिट खास करके बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा है। तो आता हूं एनालिसिस में, ये कुछ पॉइंट्स है, आपको पता होगा शायद, याद रखना यहां पे छक्के ज्यादा लगते हैं चौके से, इसका एकदम क्लियर मतलब निकल गया आएगा कि यहां का बाउंड्री बहुत छोटा है, बट आउटफील्ड भी तेज है ना। मैचेस प्लेड 71 है, बैट फर्स्ट ने 37 और बैट सेकंड ने 33 विन का। इटाली से अगर बात करें, अमित शरीफ आपको ओपन करते हुए दिख सकता है, जैन नकवी साथ, उमर गुज्जर वन डाउन। देखो आइडियली इनके पास तीन ओपनर है, चार ओपनर है और पांचवा भी ओपनर है मान के चलो। कौन कौन है? अमित शरीफ, जैन नकवी, उमर गुज्जर, रजमणी संधु, बलजीत सिंह। इनमें से बलजीत सिंह मुझे नहीं लगता ओपन करेगा, चलो इग्नोर करते हैं, बट बाकी चारों ओपनर है। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि जैन नकवी के साथ उमर गुज्जर या फिर रजमणी संधु से कोई एक ओपन करे और अमित शरीफ, ये आइडियल पोजिशन इनका वन डाउन और ओपन दे, दोनों पोजिशन में ये खेल सकते हैं। इनके रिकॉर्ड में हम लोग आते हैं, सुजीत रिला गोडेज विकी सेक्शन में ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 14 का एवरेज है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा बैटिंग इनको मिलेगा तो हम लोग फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। उमर गुज्जर डेफिनेटली गो टू पिक है, T10 के 17 मैच में 42 का एवरेज से 542 रन, क्योंकि ये ओपन करते थे, 32 ओवर में 12 विकेट, मतलब ये एज ऑलराउंडर प्ले करते हैं, तो डेफिनेटली इनको छोड़ना रिस्क हो सकता है, सिलेक्शन भी हाई है। जगमीत सिंह 25 T10 मैच में 134, बहुत कम होता है, बट ध्यान दो 45 ओवर में 27 विकेट, मतलब क्या है ये आपको ओवर कंप्लीट कराते हुए दिखेगा। पॉइंट टू लेफ्ट आर्म स्पिन, कितना इनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है? बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस ग्राउंड में स्पिनर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो हेल्प मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए पन साबित होगा, बट है बैटिंग सेक्शन में, बॉलिंग करेंगे सिर्फ। रोशन सिल्वा 9 मैच 120, 15 ओवर, 8 विकेट, फिलहाल इग्नोर करेंगे क्योंकि T10 के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड अच्छा है, बट ये इंटरनेशनल है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और बहुत ज़्यादा बड़ा कुछ एक्सपेक्टर मुझे दिख नहीं रहा। क्रिश्चियन कलुगमागे T10 में 23 मैच में 388 रन, 42 ओवर में 23 विकेट, गाइस अपने ओवर्स कंप्लीट कराते हुए दिखते हैं बेसिकली क्रिश्चियन कलुगमागे, हिटिंग करा लेते हैं, T20 भी खेल चुके हैं, 4 मैच 12 ओवर में 4 विकेट, मतलब सीनियर प्लेयर है, सीनियर प्लेयर को छोड़ना ड्रॉप करना रिस्क हो सकता है, स्पेशली इफ दे बॉलिंग फर्स्ट, और ये कमाल का हिटिंग करा लेता है, ठीक है ना। तो गाइस अच्छा पिक है क्रिश्चियन कलुगमागे, ट्राई कर सकते हो, मैं मानता हूँ कि रखो टीम में। अमित शरीफ
यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप ACC में 17 मैच में 30 के एवरेज से 445 रन लास्ट ईयर इस टीम के लिए लीडिंग रन गेटर 21 ओवर में 17 विकेट भी है। विकेटिंग एबिलिटी देख लो बंदे का। T20 में 3 मैच में 28 रन कुछ खास नहीं है, बट T10 में 49 ओवर। ओवरऑल अगर समर अप करते इनका ECS T10 मिला के 49 मैच में 25 के एवरेज से 1103 79 ओवर 51 विकेट। कमाल का प्लेयर है और अगर ECS होता मैं बोलता आग बंद करो कैप्टन बनाओ, बट ये इंटरनेशनल है तो शायद कैप्टन वाइस कैप्टन आग बंद कर नहीं बनाओगे, बट स्मॉल लीग में जरूर बना सकते हो। हसन अली एक विकेट टेकिंग ऑप्शन, 28 मैच में 43 ओवर 28 विकेट, ज़्यादातर मैच में आपको विकेट लेते हुए दिखेगा। T20 में 4 मैच में आपको 15 ओवर, 4 मैच में 16 ओवर डाल सकता है बंदे ने, 15 ओवर डाला है 5 विकेट भी निकाला, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक हो सकता है। जैन नकवी 27 मैच 26 एवरेज 592 रन 16 ओवर 10 विकेट, सबसे पहला बार ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है पता है आपको, बैटिंग बॉलिंग सेक्शन में मिलेंगे बट ज़्यादा बॉलिंग करेंगे नहीं। हाँ 26 के एवरेज से रन है, मतलब ये ओपन करते हैं अपने ECS में, अगर ओपन करता है तो रखो अदरवाइज मत रखो, क्योंकि हिटर है बेसिकली, रैंक स्विंग करेंगे बैट और बड़े बड़े शॉट। सिकंदर अब्बास एक हिटर है लोअर ऑर्डर, 24 T10 मैच में 251 रन है 15 के एवरेज से, बट 40 ओवर में 19 विकेट, अच्छा खासा बॉलिंग। सिकंदर बलजीत सॉरी यार क्या बता रहा हूँ यार, बलजीत सिंह 17 ECC के मैच में 288 रन 19 ओवर 10 विकेट, ये ओपन कर सकते हैं गाइस। ये बंदा भी अच्छा खासा हिटिंग करा लेता है, ओपन कर लेता है। T20 में 11 मैच 58 रन 29 ओवर 12 विकेट, अगर ओपन करता है आग बंद करके रखना, और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हो अपने टीम्स में, और हाँ ओवर कर सकते हैं इनका। अनिक अहमद सीनियर प्लेयर है बट मुझे नहीं लगता इस टीम के लिए ज़्यादा कुछ करेंगे। हाँ अपने ECS क्लब के लिए गए 33 के एवरेज से 598 रन, और इनको भी हम लोग कैप्टन बनाते थे ECS जब खेलते थे हम लोग, इनके जो डोमेस्टिक इटाली में T10s होते हैं, प्लेयर अच्छे हैं बट कितना इस टीम के लिए परफॉर्मेंस इनको करने का मौका मिलेगा बोलना मुश्किल है। पिदुसा फर्नांडो T10 में 3 मैच 5 ओवर में 3 विकेट, और एवरेज देखो 26 के एवरेज 77 रन। रजमणि सिंधु ये भी एक अच्छे प्लेयर है, ECC में ज़्यादा रन बनाए नहीं बट स्टिल 5 मैच में 21 के एवरेज 84 रन 1 ओवर डाला है। T10 में 40 मैच में 56 ओवर, अपने ओवर ज़्यादातर मैच में कंप्लीट भी कराते हैं, साथ ही साथ हिटिंग भी करा लेता है रजमणि सिंधु, टॉप ऑर्डर में खेलता है तो ले सकते हो। नॉर्वे से अगर ध्यान दोगे मुझे ये टीम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट लग रहा है राजा इकबाल के साथ। कुरुगे शायद ओपन करेंगे या फिर मोहम्मद इब्राहिम रहीम ही ओपन करेंगे, इन दोनों में से कोई एक ओपन कर सकता है राजा इकबाल के साथ, और जो नहीं करेगा वो शायद वन डाउन खेल ले। फिर शेरशाह इनका मिडल ऑर्डर लोअर ऑर्डर बैटिंग बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है राजा इकबाल के ऊपर, कुछ हद तक इब्राहिम रहीम ही। कुरुगे दर्शाना T10 में 11 मैच 16 के एवरेज 156 रन, और प्रीतिश का भी कुछ खास है नहीं। सैयद हैदर 86 T20 मैच, और डोमेस्टिक का मैं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक T20 D20 होगा, मैं D लिखा नहीं माफ़ी चाहता हूँ। 1234 रन 179 ओवर 55 विकेट, एक्सपीरियंस है बट विकेट टेकिंग एबिलिटी इनके पास थोड़ा सा कम है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है तो डिफरेंशियल हो सकता है, राजा इकबाल इंपॉर्टेंट है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, शायद 2-3 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एक साथ बॉलिंग करे ना, इसीलिए मैं शायद हैदर को नहीं लूँगा। राजा इकबाल जो अपने में एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, सीनियर प्लेयर है, 2 ओवर है लास्ट सीजन में ECC में, 9 मैच में 31 के एवरेज 156 रन, बट 2 ही ओवर डाला है, बट आइडियली ये आपको ओवर कंप्लीट कराते हुए देख सकते हैं इस मैच में, क्योंकि T20 में 18 मैच में 54 ओवर, नंबर ऑफ ओवर्स देख लो 22 के एवरेज से 329 रन, अच्छा पिक है राजा इकबाल। नज़ाकत अली T20 डोमेस्टिक खेल के आ रहा है, डिसेंट रिकॉर्ड है, 614 ओवर है, मतलब आपको ओवर कंप्लीट कराते हुए दिखेगा, सीनियर बॉलर है नज़ाकत अली। फैजल रजा 15 मैच 34 ओवर में 16 विकेट है, राइट आर्म स्पिन डोमेस्टिक T20 खेल के आ रहे हैं ये भी। सैफुल इस्लाम डोमेस्टिक वन डे खेल के आ रहा है ODD, एक मैच 49 ओवर में 5 विकेट है। शेर साहक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 9 ECC के मैच में 10 ओवर में 4 विकेट है बंदे के पास, और T20 आइस में देखो 14 मैच में रन है इनके पास, बैट बॉल दोनों कर सकता है। सुफियान सलीम इंपॉर्टेंट बॉलर हो सकते हैं, T10 में ये 8 मैच में 15 ओवर डाला है, बट T20 आइस में ज़्यादातर मैच में ये एज बैट्समैन प्ले कर रहा है, 9 मैच में 19 के एवरेज 130, मतलब बैट बॉल दोनों करा सकता है। इब्राहिम रहीमी ध्यान देना, T20 में डोमेस्टिक का रिकॉर्ड 24 मैच में 26 के एवरेज 392 रन 41 ओवर 12 विकेट, ज़्यादातर मैच में एज ओपनर प्ले किया, तो ट्राई करना है तो कर सकते हो। कमर मुश्ताक 5 मैच 11 ओवर में 6 विकेट। हमदुल्ला शिनवारी बॉलिंग फर्स्ट जरूर ले लेना, क्योंकि डेथ में आ सकता है, 6 T10 मैच में 6 ओवर 4 विकेट, बट T20 में 10 मैच में हमको ओवर 30 है इनके पास, मतलब ओवर बहुत ज़्यादा कराता है। शाहबाज भट्ट लेग स्पिनर ज़्यादा है नहीं इनके पास, तो शायद ये आपको 2 ओवर करते हुए दिखे। 5 T20 में 14 ओवर में 7 विकेट निकाला, इंपॉर्टेंट है बॉलिंग फर्स्ट में। विनय रवि को भी ट्राई कर सकता हूँ, जो ECC के 9 मैच में 13 ओवर में 10 विकेट है, ज़्यादातर मैच में ओवर कंप्लीट कराते हुए दिखेंगे। T20 में भी 14 मैच में 41 ओवर बहुत होता है।
कैप्टन चॉइस राजा इकबाल मेरे हिसाब से सेफेस्ट है क्योंकि ये आपको श्योर शॉट ओपन करते हुए दिखेगा और हिटिंग भी। अमित शरीफ ये बेस्ट प्लेयर है बट इनका बैटिंग पोजीशन आइडियली वन डाउन हो सकता है या फिर ओपन, या फिर ओपन किया तो डिफॉल्ट कैप्टन अगर वन डाउन खेला या फिर उससे नीचे खेला तो थोड़ा रिस्क हो सकता है क्योंकि कई मैचेस में इनको ओवर्स कट जाते हैं गाइस, कोई कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगा इनके ओवर रेट पे, बट प्लेयर बहुत कंसिस्टेंट। राजमणि संधू जयशान नकवी से जो भी ओपन करेगा ग्रैंड लीग में कैप्टन बना सकते हो, या फिर बलजीत सिंह अगर ओपन आता है कमाल का भी होगा। फिलहाल मैंने नहीं लिया, लेट्स सी अगर खेलता है तो लूंगा। आर सिंह है हमारे पास, ए शिनवारी, एम शहबाज भट, आर इकबाल अल गाइस है, एम इब्राहिम, शायद मैं इनको ड्रॉप करके ना एक्स्ट्रा बॉलर है यहाँ पे ट्राई करूँ। इनका अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ, इनका अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ तो मैं इनसे एक्स्ट्रा बॉलर ट्राई करूँगा। फिलहाल मैंने सेफ लिया इब्राहिम को। सिकंदर अकबर, जैन नकवी, हसन अली स्पेशली बैट फर्स्ट, या फिर टॉप ऑर्डर अगर खेलता है तो लो, अदरवाइज ड्रॉप कर देना। यू गुज्जर, ए शरीफ। दोस्तों ये रहेगा मेरा फिलहाल अपडेट, कोई भी और अपडेट होगा फाइनल अपडेट वगैरह टेलीग्राम पे शेयर होते रहेगा, तो जुड़ जाना टेलीग्राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू, मिलते हैं मैच टाइम पर।